लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखा था, रदरफोर्ड का मॉडल हमने पढ़ लिया, उसका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देख लिया। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखने का बेसिक लॉजिक यही था कि भाई आप इलेक्ट्रॉन पता कर लिए, प्रोटॉन पता कर लिए, तो लास्ट में न्यूट्रॉन पता करना ही था। लेकिन न्यूट्रॉन पता हुआ 1932 में बाय द साइंटिस्ट नोन एज जेम्स चैडविक, तो ये काफी बाद में पता चला। मैंने आपको बताया होगा कि बेरिलियम एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक कराया गया तो कार्बन और साथ में एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसके पास मास तो है पर चार्ज नहीं है, इट हैज मास बट नो चार्ज, तो उसको न्यूट्रॉन कहा गया। उसके बाद फिर आप लोग तो कॉम्पोजिशन ऑफ एटम जानते ही हैं, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था कि अगर कोई एलिमेंट है उसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, तो आप उसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आप कहेंगे सर अचानक से सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा ही चल रहा था, ये अचानक से ये नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। साल जो है वो 1932 चूंकि हम लोग पहुंच चुके हैं, 1932 थ्योरी में जो न्यूट्रॉन का पैदा होने का, अभी 1890 के बाद से ही दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के बीच में थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। एक था न्यूटेनियन फिजिक्स जिसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और एक था कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट या ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो उन साइंटिस्ट को चैलेंज कर रहा था। तो कैसे चैलेंजिंग स्टार्ट हुआ, तो चैलेंजिंग करने के स्टार्ट हुआ कि उनका बेसिक डाउट यह था कि लाइट क्या है, जो कि आज तक भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि लाइट एक्चुअली है क्या। कोई भी इसका परफेक्ट आंसर आज भी नहीं दे सकता है कि लाइट क्या है। कोई कह रहा है लाइट पार्टिकल है, कोई कह रहा है लाइट वेव है। तो अब इन दोनों के बीच अब लाइट नहीं पता कर पा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और लाइट को ऑलमोस्ट कंपेयर किया जा रहा है। और हम लोग लाइट के ऊपर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर उस पढ़ाई को कहां लेकर चले आएंगे, इलेक्ट्रॉन पर लेकर आ जाएंगे। अभी पहले कह रहे हैं लाइट पर ही तुम बहस कर लो कि लाइट है क्या। तो एक जो हम आपको पहले भी शायद कहे होंगे कि जो पूरा का पूरा फिजिक्स है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, एक को क्या कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और एक कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और इनके बीच में एक एरा आया था जहां पर इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। यहां पर जो साइंटिस्ट थे वो न्यूटन थे, और न्यूटेनियन फिजिक्स भी कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स को। न्यूटन ने कहा कि कुछ फेनोमेना ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन, जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्शन, इन जगहों पर लाइट को क्या माना गया है, लाइट इज कंसिडर्ड एज पार्टिकल। इसको क्या माना गया है, लाइट इज कंसिडर्ड एज पार्टिकल। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स वाले हैं ये, इसमें कुछ साइंटिस्ट है जिनका नाम है हाइगन, सी हाइगन, एच यू वाई जी ई एन, सी हाइगन, मैक्सवेल, मैक्सवेल, ये कुछ साइंटिस्ट थे, और भी हैं बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा जैसे डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, अब ये कुछ ऐसे फेनोमेना है जहां पर ये लोग क्या कह रहे हैं कि लाइट क्या है, लाइट इज वेव, लाइट क्या है, लाइट इज वेव। और इनके बीच में अब लड़ाई चल रही है कि भाई वाटर लिख दिए थे लाइट इज, सामने पानी नहीं दिख रहा है, लाइट इज वेव, लाइट क्या है, वेव है, तो वेव नेचर दिखा रहा है। अब यहां पर इन लोगों के बीच में लड़ाई चल रही, पता दोनों, अब देखिए सारे तो सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सबका कोई नोबेल प्राइज विनर है, तो कोई कहां बड़े बड़े डिस्कवरीज करके बैठा हुआ है, कह रहा कैसे मेरा थ्योरी जीते जी तो हम नहीं गलत होने देंगे, मर जाए तो भले ही अलग बात, जीते जी तो हम अपना थ्योरी को नहीं गलत होने देंगे। तो दोनों लड़ रहा है, लेकिन उस लड़ाई में जीत तो सत्य की होगी, जो सही बात है उसी का ना सत्य हो, माने उसी का जीत होगा। तो अब इन दोनों की लड़ाई में दोनों अपना अपना पक्ष प्रतिपक्ष रख रहे हैं, कैसे डिबेट करते हैं तो आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं, तो आप भी अपना सारा पॉइंट रख रहे हैं, वो भी लास्ट में जो पूरे तत्वों के साथ सब बात रखेगा वही ना जीतेगा।
ऐसे यहां पर भी ये लोग भी अपना एक्सपेरिमेंट करके, आप ये प्रूफ कर रहा है, ये अपना एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ कर रहा है, अब दोनों लड़ रहे हैं और लड़के अपने अपने पक्ष को सही करने में प्रूफ कर रहे हैं, एक कह रहा है कि नहीं ये पार्टिकल नेचर, एक कह रहा है नहीं ये वेव नेचर है, और दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। इसी चीज में अभी हम लोग क्यों इसका पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले हैं भोर। कौन आने वाले हैं? भोर आने वाले हैं। भोर अपनी थ्योरी को डेवलप किए हैं इन्हीं सारे साइंटिस्टों की थ्योरी को मिलाकर। तब भोर की थ्योरी बनाने के लिए तो हम लोग को कुछ बैक आइडिया चाहिए, इसलिए हम लोग अभी इस सारे आइडियाज के बारे में क्या कर रहे हैं, बात करेंगे। क्लियर? इसी सारे आइडियाज के बेसिस पर पहले हम रदरफोर्ड को फेल करेंगे और फिर रदरफोर्ड को फेल करके भोर अपनी थ्योरी बनाएंगे। तो ये बीच का काल है जहां पर भोर और रदरफोर्ड, इन दोनों के बीच का काल है, जिस काल में ये कुछ साइंटिस्ट लोग अपना अपना डेवलपमेंट किए, और इन सारे साइंटिस्ट, जितना भी साइंटिस्ट लोगों का नाम अभी हम लोग पढ़ेंगे, इन सारे साइंटिस्ट के खोज को भोर ने यूज करके और अपनी थ्योरी को डेवलप किया था। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है, ये समझ में आ गया? बढ़े आगे जी। LIGST क्या लिख दिए? ये क्या हो गया? गलत चीज सेलेक्ट हो गया। ठीक है, लाइट का स्पेलिंग भी क्या हो गया है? LIGST लाइट होगा। ठीक, तो यह बात समझ में आ गई। अब हम लोग धीरे धीरे ये आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। तो आप लिखना स्टार्ट करिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज रिगार्डेड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। लाइट इज रिगार्डेड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल ऑल्सो नोन एज CORPUSCELES कॉप्सुल्स, CORPUSCELES कॉप्सुल्स ऑफ लाइट। तो ये वो कह रहे हैं कि ये क्या है? स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑफ लाइट है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। तो जैसे ही उसमें आपने क्या शब्द यूज कर दिया, पार्टिकल शब्द यूज कर दिया, तो न्यूटन के आधार पर लाइट क्या है? लाइट एक पार्टिकल है। न्यूटन का जो थ्योरी है उसमें लाइट को वो क्या कंसीडर कर रहे हैं? पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, फुल स्टॉप। द पार्टिकल नेचर कुड एक्सप्लेन सम फेनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कुड एक्सप्लेन सम फेनोमेना सच एज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एसोसिएटेड विथ लाइट। सम फेनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एसोसिएटेड विथ लाइट। तो ये लाइट को जो है वो कुछ फेनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसको हम क्या मानते हुए करें कि लाइट क्या है? एक पार्टिकल है। और ये ऐसे भी समझ में आना चाहिए कि लाइट को पार्टिकल नहीं मानिएगा तो पार्टिकल नेचर कब हम किसी चीज को पार्टिकल कहते हैं? जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, माने जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। अब आप देखिए, मैं अगर यहां पर इस कॉपी को रखकर कोई चीज आपको बोल रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो साउंड वेव है वो पार्टिकल नेचर नहीं शो कर रहा है, वो वेव नेचर शो कर रहा है। तभी ना आपके सामने अगर हम इसको रख भी दिए हैं तो साउंड जो है वो यहां से यहां ट्रेवल कर जा रहा है। लेकिन लाइट अगर वेव नेचर होता, प्योरली वेव नेचर होता, तो क्या होता? हम अगर ऐसे ऐसे भी रहते तो भी आप लोग हमको देख पाते, लेकिन अभी देख पा रहे हैं? तुम देख पाओगे क्योंकि तुम कोना में बैठे हो, लेकिन जो ठीक मेरे सामने बैठा हो हमको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। अगर वेव रहता तो साइड से ऐसा आ जाता ना, तो आपको दिख जाता मैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो फेनोमेना है ये क्या है? पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये लॉजिक क्लियर है? अगर ये वेव रहता तो फिर क्या फर्क पड़ता था? हम कॉपी रखते नहीं रखते, आपको हम दिखते ही दिखते। लेकिन जैसे ही सामने आपके कॉपी रखी है तो चूंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो अब मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं। लॉजिक क्लियर है? तो यहां से ये बात तो सही है कि भाई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस फेनोमेना में आप क्या मानते हैं? लाइट को क्या मानते हैं? पार्टिकल मानते हैं। एकदम सत्य बात है और ये आज भी सही है। इसीलिए जब आप क्लास 10th में लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे
तो वहां पे आपको बहुत झमेला नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहां पे, कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और वहां दोनों में आपने लाइट को क्या माना? पार्टिकल नेचर माना। और पार्टिकल नेचर माना तो आप पार्टिकल ही सारा पढ़ रहे थे, मोशन फोर्स सब उसी से पढ़ रहे थे। आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप क्लास ट्वेल्थ में जाइएगा, वहां पे जब फिर दोबारा इसी लाइट चैप्टर को पढ़िएगा, अब आप लाइट में पढ़िएगा वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़िएगा? तो वेव ऑप्टिक्स मतलब पूरा का पूरा ऑप्टिक्स वो किसके ऊपर आधारित है? लाइट के ऊपर, यानी वेव नेचर के ऊपर। तो वेव नेचर जब आप कहिएगा तो वेव को समझना होगा, इसीलिए हम लोग ये टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी तो खैर इसमें बहुत कुछ अंदर समझना है, क्या क्या चीज है। अभी तो खाली हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई कौन कौन साइंटिस्ट थे, वो कैसे कैसे फाइटा फाइटी किया, यही सब कहानी अभी देख रहे हैं। उसके बाद टॉपिक का नाम तो अभी सीखेंगे, आगे लिखिए। बट एट द सेम टाइम इट फेल्ड टू एक्सप्लेन सम फेनोमेना सच एज डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, और इसमें एक और ऐड कर दीजिए, इंटरफेरेंस। इट फेल टू एक्सप्लेन सम फेनोमेना सच एज डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। अब कुछ फेनोमेना जो है वो लफेव नेचर से नहीं, मतलब पार्टिकल नेचर से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता था, तो ये साइंटिस्ट लोग जो ये फेनोमेना को इजाद किया वो क्या बोलेगा? तो कहेगा भाई लाइट वेव नेचर है, हमारा जो फेनोमेना है वो तो वेव नेचर मान रहे हैं तभी पूरा हो रहा है। तो भाई लड़ेगा ना दोनों आपस में? नहीं लड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। मान लीजिए मेरा नाम प्रणव, अरे मानना क्या साला है, ये टीचर का आदत खराब हो जाता है ना, सब चीज में मानने लगता है। मेरा नाम है ही प्रणव। अब मैं मान लीजिए प्रणव हूं, फिर कह रहा हूं मान लीजिए मैं हूं प्रणव। अब मैं किसी का बेटा हो सकता हूं, हाँ कि नहीं? माने मैं अपने फादर का बेटा होऊंगा कि नहीं? तो मैं अपने पिताजी का बेटा हूं, मैं अपने फादर का बेटा हूं, सन। मैं अपनी वाइफ के लिए क्या हूं? हस्बैंड हूं। मैं अपने भाई के लिए ब्रदर हूं, हूं ना जी? मैं अपने तेजस बेटे के लिए क्या हूं? मैं फादर हूं, है ना? मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए क्या हूं? अरे कभी तो रहा होगा यार, अब ना बूढ़े हो गए, पहले ऐसे काहे देख रहे हो यार। तो मैं उनके गर्लफ्रेंड के लिए क्या रहा होगा? बॉयफ्रेंड रहा होगा आप उनका, जानू बाबू सोना सब रहे होंगे नहीं? बेहुदा वो चली गई तब ना हम एग्जाम्पल दे रहे रे, बेहुदा समझता काहे नहीं है। और मैं अपने दादाजी के लिए क्या रहूंगा? मैं अपने दादाजी के लिए ग्रैंडसन रहा होगा, रहेंगे ना? अब देखिए कौन कौन लड़ाई कर रहा है, ध्यान से देखिए। न्यूटन और हाइगन ये लड़ रहे हैं। मेरे एग्जाम्पल में जानते हैं कौन कौन लड़ रहा है? मेरे एग्जाम्पल में हमारे पिताजी लड़ रहे हैं किससे? तेजस से। मेरे पिताजी किससे लड़ रहे हैं? तेजस से। हमारे फादर कह रहे हैं यार मेरा लड़का है, अब मेरा बेटा कह रहा है मेरा बाप है। बात दोनों की सही है, दो गलत बोल रहा है। अरे तेजस ठीक ही बोल रहा है, मैं उसका बाप हूं। अब मेरे फादर भी ठीक ही कह रहे हैं, साला ये मेरा लड़का है, ये तो हमारी उत्पत्ति है, हमने उसको उत्पन्न किया है। भाई दोनों अपनी जगह पर 100% सही है, गलती बात है। न्यूटन भी सही है, लाइट इज पार्टिकल। हाइगन भी सही है, लाइट इज वेव, नजरिया, कौन देख रहा है और किस फेनोमेना के लिए देख रहा है। मैं तो वही हूं, मैं बदल नहीं रहा हूं, मैं चेंज हो रहा हूं। अब इसमें एक और डाल सकते थे ना आप लोग के लिए, टीचर भी हो जाता मैं, नहीं कि सारे बच्चों के लिए टीचर भी हूं। तक टीचर इसलिए नहीं डाला कि आपका एक साला फट टीचर ही, इसको क्या टीचर बोल, हंस भी रहा है सोच रहा। तो तेजस और फादर हमारे लड़ाई कर रहे हैं। तेजस कह रहा है कि ये मेरा बाप है, हमारे बाप हमारे फादर कह रहे हैं कि ये मेरा लड़का है। बात तो दोनों की सही है, बात दोनों लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। इसमें हमारी मम्मी आई बीच में, जो बाद में चल के डी ब्रोगली आएंगे,
हमारी माँ आई और जो डी ब्रोगली है यहां पे हमारे एग्जांपल में डी ब्रोगली आई है और डी ब्रोगली बोलेंगे, पहले हम माँ जो हमारी बोली वो बता रहे थे, फिर डी ब्रोगली माँ बोलेंगे झूठ मूठ के दोनों लोग लड़ रहे हैं, दोनों लोग सही है यार, वो तो ठीक ही कह रहे हैं आप, आपका बेटा है उसका बाप है, क्या गलती बोल रहे हैं। ऐसे ही डी ब्रोगली आया और डी ब्रोगली क्या बोला, लाइट जो है वो दोनों नेचर पोजेस करता है, कौन कौन सा, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ये बहुत बाद में आएगा, डी ब्रोगली मतलब आ गया 1932-33 की बात करें, 1932-34-35 की बात है, अभी तो हम लोग चल रहे हैं 1913 में, 13 में तो ये लोग फाइटा फाइटी कर रहा है, छोटा छोटा वर्ल्ड जो वुमेन्स कॉलेज में नहीं होता है कि एक तो हमने अभी कुछ दिन पहले याद है वुमेन्स कॉलेज में देखा रहा था, सॉरी कॉपरेटिव कॉलेज, कॉपरेटिव कॉलेज कौन है उधर रे, ग्रेजुएट कॉलेज में, तो कोई एगो लड़की, कोई एगो लड़का को फॉलो कर दी, नहीं होता है कि आपका जो क्या है इंस्टाग्राम में किसी को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, तब जो लड़का को वो लड़की फॉलो की तो उसकी भी तो कोई रहती है ना, आजकल लड़का लोग का क्या रहता है, जो गर्लफ्रेंड रहती है नहीं, तो वो देख ली कि ये लड़की कैसे उसको फॉलो कर दी, कि अब तुम मेरा तो कैसे फॉलो कर दिए, अब वो आ गई ग्रेजुएट कॉलेज और लड़की उसी के कॉलेज में पढ़ रही थी, सेम ब्रांच ब्रांच होगा शायद पैची, अब उसका झोटा पकड़ के पूरा भोला के जैसे उसको नचा नचा के मारी है, काहे तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड को फॉलो क्यों कर दी, नहीं उसमें तो फॉलो बटन है, फॉलो कर दिया इसीलिए बेहुदा, ये अभी तक है ही लिखा हुआ ये सब। आप उसके, आप मेरे कॉन्सेप्ट के पीछे आप इसी में फंसे हुए हैं कि वाइफ में कौन होगा, कितना बढ़िया हम आपको एग्जाम्पल दिए, कहां गया एग्जाम्पल, इतना बढ़िया आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो डी ब्रोगली जो है ये बीच में आए और ये क्या कहे कि भाई देखो न्यूटन तुम भी गलत नहीं हो और जो क्या नाम है इनका हाइगन तुम भी गलत नहीं हो, दोनों लोग सही हैं, लेकिन उस बात को पहुंचने के लिए कितना साल लग गया, 20 साल लग गया, 1913 में है, एक कब की बात हो रही है 1934 की बात हो रही है, 1934 1934 और 1913 में 20 साल का अंतर है, 20 साल लग गया इस बात को समझने में कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी पोजेस करता है और वेव नेचर भी पोजेस करता है, बात समझ में आया। चलिए तो इसके बाद का कॉन्सेप्ट अभी बताता हूं, एक मिनट, तो बात समझे, तो डी ब्रोगली जो है ये बीच में आया और इन्होंने फिर सारा सेटलमेंट किया, देन तो लिखिए आगे लिखिए, तो दी थ्योरी ऑफ लाइट विच वॉज प्रपोज्ड बाय न्यूटन, दी थ्योरी ऑफ लाइट विच वॉज प्रपोज्ड बाय न्यूटन देयरफॉर गॉट रिप्लेस्ड बाय अ वेव थ्योरी, द थ्योरी ऑफ लाइट गिवन बाय न्यूटन देयरफॉर वॉज रिप्लेस्ड बाय वेव थ्योरी गिवन बाय हाइगन। अब न्यूटन को ये बात बर्दाश्त होगा, सोचिए कि मेरा थ्योरी को हटा के कोई दूसरा अपना थ्योरी दे देगा, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर करके प्रूफ करने लग गए कि मेरा जो थ्योरी है वो 100% सही है, और इसी थ्योरी को प्रूफ करने के क्रम में उन्होंने एक पूरा का पूरा इफेक्ट पढ़ाया जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम लोग को पढ़ना है पढ़ेंगे, उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, हमने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का नाम लिखा है, देखिएगा मैक्सवेल लिखा हुआ है, जेम्स क्लार्क CLARK क्लार्क मैक्सवेल स्टेटेड दैट एक्सरेज अल्फा रेज एंड हीट वेव्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कॉल्ड एज वेव एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी
कॉल्ड एज वेव एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी. इसी को उन्होंने वेव एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी का नाम दिया. वेव एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी. दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विथ फुल स्टॉप. दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो जो एनर्जी इन अल्फा रेस से रेडिएट हो रही थी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव. दिस एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयरफॉर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब जाके हम लोग कहां पहुंचे, जो आपने हेडिंग डाला था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डन. अब ये वेव नेचर किसने दिया, हाइगन ने बताया कि कुछ ऐसे फेनोमेना है जहां पर लाइट जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है. और सेकेंड एस्पेक्ट क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. रेडिएशन मतलब एक एनर्जी का प्रवाह, हीट एनर्जी या फिर वेव एनर्जी या फिर रेडिएंट एनर्जी. अब बीच का शब्द रह गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इसको पहले हम लोग समझते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो शब्द यूज किया गया है उसका क्या मतलब है पहले वो देखते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसे कहते हैं. देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्स एक्सिस है. दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, और एक एक्सिस यहां पर भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड एक्सिस. एक्चुअली बोर्ड पर ऐसे बनाया गया है, नहीं तो सही सेंस में देखा जाए तो ये कैसा रहता है, ये आपके तरफ जा रहा है, ये टुवर्ड्स यू एंड इनसाइड द बोर्ड है. बहुत ध्यान से देखिएगा कि अभी मैं इस पर एक वेव बना रहा हूं, यहां पर मैंने एक वेव बनाया, दिखाई दे रहा है वेव. इस वेव को पेंटिंग करते हैं कोई ऐसा रंग से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है थोड़ा बोलिए, द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, व्हाट इज द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए ना, एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है. किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में. एक्स वाई प्लेन समझ रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई एक्सिस पर है ना, तो इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन कर रहे हैं. तो एक्स वाई एक्सिस पर कौन सा फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, कोई दिक्कत. अब आइए आप अगले फील्ड पर, अब आइए यहां, ये एक और ऐसा एक वेव है, ठीक बना. ये थोड़ा सा आपको 3D इफेक्ट टाइप दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बना है ये कौन से प्लेन पर बनाया है पता है, ऐसे प्लेन पर बनाया है. मतलब ये कौन सा प्लेन है, ये XZ प्लेन में बनाए हैं. अभी जो हमने बनाया है वो कौन सा प्लेन है, XZ प्लेन, X और Z इस प्लेन में बनाए हैं, इस प्लेन में बनाए हैं. इसको भी एक दूसरे रंग से पेंट करते हैं, नहीं पता चल रहा है, दूसरा रंग लेना चाहिए इससे पता, पेंट करते हैं और नहीं पता चल रहा है, बेहूदा, कोई अच्छा रंग बताओ, इससे इससे करते हैं, चलो इससे पता चलता है, चलो तो इससे पता चल रहा है. तो यहां पर जो इस प्लेन पे जो वाइब्रेशन है
वो किसका वाइब्रेशन है? ये एक तो प्लेन इसका कौन सा है, तो ये जो प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, और इस प्लेन में कौन वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। यानी हमारे पास दो प्लेन है, एक है एक्स वाई प्लेन जिस पर कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक है एक्स जेड प्लेन जिसपे कौन सा, जिसके अंदर कौन सा प्लेन है, कौन सा फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। ये समझ में आ गया। यानी अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो ये अगर आपका प्लेन है, तो ये जो ऐसे वेव बनाया है मैंने, जो कि इस प्लेन में है एक्स वाई प्लेन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक मैंने इस प्लेन में वाइब्रेट कराया है जो कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अब 2D में तो ऐसे ही बनेगा। जब कभी भी ऐसा हो, कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन सम अनदर प्लेन एंड बोथ द प्लेन आर म्यूचुअली व्हाट, परपेंडिकुलर, आपस में दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, तो दोनों का जो वाइब्रेशन है उसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। अब एक तीसरा प्लेन बचा हुआ है, कौन सा, वाईजेड प्लेन, जो कि कहां पर है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो यहां पर है ना, वाईजेड प्लेन यहां है, तो अभी हमारे इसमें तो ऐसे ही बनेगा वाईजेड प्लेन, चलिए वाइट से ही बना देते हैं। तो इस पर जब कोई वेव प्रोपागेट करती है, किस प्लेन में, YZ प्लेन में, जब इस पर कोई वेव प्रोपागेट करती है YZ प्लेन में, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, किससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीसरा प्लेन है ना, ये कौन सा प्लेन है, दिस प्लेन इज YZ प्लेन। तो ये जो वेव है इस पर यह प्रोपागेट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो, वाई इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, और इसको क्या कहा जाता है, वेव कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि ये प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, क्लियर। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव आर प्रोपागेटिंग इन थ्री डिफरेंट प्लेन्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब जो वेव की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, इसीलिए उस शब्द में लिखा हुआ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी इस टॉपिक को ही अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी तो खाली टॉपिक ही समझ रहे हैं कि टॉपिक में क्या क्या शब्द लिखा हुआ है और क्यों उसको हम लोग को पढ़ना है यहां पर, बात समझ में आ रही है। ये फोटो अपनी कॉपी में जल्दी बनाइए, इतना पेंटिंग करके मत बनाइए, लेकिन इस लगभग इसके जैसा कुछ बना लीजिए। अरे एक आप ब्लू से बना लीजिए, एक ब्लैक से बना लीजिए, और एक ब्लू ब्लैक मिला के बना लीजिए, चाहे वो और लाल रंग का कुछ कर दीजिए। इस तरह का जो वेव है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। हाँ भेज तो देंगे हम, तो उसी से बना लीजिएगा तो बढ़े आगे, फिर इसको बना लीजिए घर में आराम से, आप लोग भी अलग अलग कलर से यूज करके, ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे। नाउ राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वेव, किस, अब जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, वेव बोलूंगा तो कौन सी वेव के बारे में बात कर रहे हैं, वाई जेड नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तो मेरे को ये आपको समझ में आ गया कि इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते क्यों है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा क्यों जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कोई है, एक मिनट थोड़ा देर के लिए रुकिए, पहले मैं ये कहानी सब सुना देता हूं। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब देखिए, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये मीन पोजीशन से ट्रैवल करता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये मीन पोजीशन से ट्रैवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली वेवलेंथ। उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, लैम्डा से, इसको कैपिटल ए से।
ठीक है, ये जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और जो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। कोई दिक्कत? जितना समय इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो ये सब उसके बारे में लिख रहे, मैंने क्या क्या चीज उसके अंदर है वेव में, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो उससे पहले पहले वेव के बारे में लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, फिर एक पर्टिकुलर वेव का पूरा डिटेल हिस्ट्री पढ़ेंगे। लिखिए फ्यू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMW, BMW नहीं, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMW। इसके अंदर आप लिखिए पॉइंट नंबर वन, राइट, दीज वेव्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, दीज वेव्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, दीज वेव्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये इसका पॉइंट नंबर वन है। पॉइंट नंबर टू, दूसरा पॉइंट, द रेडिएशन आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज रेडिएशंस आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पॉइंट नंबर थ्री, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल विथ अ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन। पॉइंट नंबर फोर, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, प्रोपागेशन के लिए इसको कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे हीट, सूर्य से हीट हम तक पहुंच रही है, क्या हीट को कोई मीडियम चाहिए? आप जानते हैं कि एक एटमॉस्फेयर के बाद क्या है, वैक्यूम है। अभी के लिए यही जानकारी आपके लिए सही है कि इसके बाद क्या है, वैक्यूम है। और वैक्यूम है मतलब कोई मीडियम नहीं है, और कोई मीडियम नहीं है फिर भी लाइट अगर हम तक पहुंच रही, हीट हम तक पहुंच रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि बिना मीडियम के एक जगह से दूसरे का क्या करता है, प्रोपागेट करता है। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMW के बारे में आपने जाना। उसके बाद किसी एक वेव के बारे में आपको जानना है कि उस वेव में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है या क्या क्या टर्म्स एसोसिएटेड है। तो लिखिए टर्म्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके अंदर पहला आप लिखिए क्रेस्ट। व्हाट इज क्रेस्ट? द हाईएस्ट पॉइंट, क्रेस्ट द
हाइएस्ट पॉइंट, द हाइएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ द वेव इज नोन एज क्रेस्ट. द हाइएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ द वेव इज नोन एज क्रेस्ट. तो हाइएस्ट पॉइंट जो है उसको क्या बोला, क्रेस्ट बोला. और ट्रफ किसको बोला, द लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज नोन एज ट्रफ. तो जो सबसे नीचे पड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं. तो इसलिए कई बार आप दुने होंगे इंग्लिश में भी फ्रेज यूज करते हैं, कभी कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो ही इज ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिज कैरियर. तो क्रेस्ट मतलब क्या कहते हैं, जो अपने पूरे लाइफ के कैरियर के एकदम बिल्कुल बूम पर चल रहा होता है तो उसको बोलते हैं ही इज ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिज कैरियर. और कोई कहते हैं जीवन में कई बार डाउनफॉल भी आता है, आदमी को कष्ट भगवान दे देते हैं तो बहुत नीचे भी चलता है, तो उसका लूमी डेज या ग्लूमी डेज रहता है, तो उस टाइम आदमी कहता है कि आई एम गोइंग थ्रू माय टफ फेसेस. तो टफ फेसेस क्या है, द लोएस्ट पॉइंट, जहां पर आप अब इससे नीचे क्या ही हो जाएगा, अब क्या ही बिगाड़ लीजिएगा, आप जो था सब चला गया, अब क्या बिगाड़ लीजिएगा. तो ऐसा कई बार होता है, कई बार गया एक आदमी अपना हाथ दिखाया पंडित जी से, कहा पंडित जी बहुत समय खराब चल रहा है, थोड़ा हाथ देख दीजिए. तो हाथ देखने के लिए कहा कि देखो 100 रुपया दो. कहा भगवान 100 रुपया तो नहीं है प्रभु, ऐसे ही देख लीजिए. तो बोला नहीं, 100 रुपया नहीं है तो नहीं देख पाएंगे. तो बोला ठीक है, लो चलो तुम 85 रुपया दो. कहा प्रभु 50 रुपया भी नहीं है, कहाँ से ला के देंगे, ऐसे ही देख लीजिए. कहा ठीक है तुम 10 रुपया दो. तो कहा प्रभु सच बता रहे, खाना खाने का पैसा नहीं, 10 रुपया तो बहुत हो गया. कहा प्रभु अब तुम टेंशन मत लो, जब तुम्हारे पास 200 रुपया नहीं है तो मैं क्या साक्षात भगवान ही तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. तो जब आपके पास पैसा है तभी लोग पूछता है कैसा है. खैर तो आप लिखिए. उसके बाद सेकंड चीज जो आप लिखेंगे दैट इज लिखिए एम्पलीट्यूड. तो थर्ड जो डेफिनेशन आप लिखेंगे उसको किसके बारे में लिखेंगे, एम्पलीट्यूड. व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज the maximum displacement of the wave from the mean position, the maximum displacement of the wave from the mean position is known as amplitude. maximum displacement, चाहे ऊपर या नीचे, ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि खाली ऊपर वाले को ही बोलते हैं, चाहे ऊपर या नीचे जो maximum displacement from the mean position है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, amplitude कहते हैं. next, what is wavelength, the distance traveled by the wave to complete one cycle, the distance traveled by the wave, यहां पर यह लैम्डा है यहां से यहां तक एक, the distance traveled by the wave to complete one cycle is known as wavelength, is known as wavelength. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, wavelength कहते हैं. that is only known as wavelength. The distance traveled by the wave in completing one cycle is known as wavelength. वो कहां से कहां हो सकता है, the distance between two troughs or the distance between two crest. मान लीजिए इस wave को further मैं आगे continue करता, अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ये wave further continue कर जाता तो आप यहां से यहां की भी जो दूरी है इसको भी आप lambda कह सकते हैं. The distance between two crest या द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, ये भी क्या कहलाया जा सकता है, लैम्डा. तो आप एक और डेफिनेशन लिखी लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ एंड टू क्रेस्ट कंजिक्यूटिवली, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट एंड कंजिक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज. तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और कंजिक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ. इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाई वॉट, लैमडा. देखिए लैमडा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर. अब लेंथ है तो मीटर ही होगा, तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर. देन यू राइट टाइम पीरियड, देन यू राइट टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, the time taken by the wave to complete one cycle is known as time period, the time taken by the wave to complete one cycle is known as
टाइम पीरियड, देन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। अब आइए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय द वे इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय द वेव इन वन सेकेंड इज कॉल्ड एज, मान लीजिए कि एक सेकेंड में ये इस प्रकार से वेव ट्रेवल किया, तो कितना बार वेव ट्रेवल किया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नाइन टाइम्स, कितने बार, नौ बार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी इज नाइन, समझ में आ रहा है, नाइन हर्ज, क्या है, नाइन हर्ज, डन। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड होता है वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड होता है वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम यानी पर वन सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डन बाय द वेव इन वन यूनिट टाइम यानी वन सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, डन। ये यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ज, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, हर्ज। और ये जो फ्रीक्वेंसी शब्द है ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरिच फर, हेनरिच हर्ज, लिख लिए स्पेलिंग H E I N R I C H, H E I N R I C H, H E R T Z, और इन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए इसका यूनिट क्या रखा गया, हर्ज रखा गया, डन। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू, और इसको आप क्या कर दीजिए, डब्बे में बंद कर लीजिए, टाइम पीरियड जो है वन अपॉन म्यू के बराबर। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितनी बार कोई वेव ऑसिलेट किया है उसी से हम लोग क्या निकालते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। नेक्स्ट, अब जब कभी भी कोई वेव प्रोपागेट करता है ये किसी स्पीड से ना प्रोपागेट कर रहा होगा, इसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी। कोई वेव अगर आगे बढ़ रहा है तो वो तो किसी स्पीड से बढ़ रहा होगा, तो उसी स्पीड को क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी। लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ वेव, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन सेकेंड इज नोन एज वेव वेलोसिटी, इज नोन एज वेव वेलोसिटी। The velocity of the wave is the linear distance traveled by the wave in one second. Traveled by the wave in one second. एक सेकेंड में कितना linear distance travel किया है मेरा wave? उसको जब हम लोग divide करते हैं time से तो क्या मिलता है? Wave velocity मिलता है। मान लीजिए जो अगला example हमने लिया हुआ है, इसमें एक सेकंड में यहां से यहां गया, तो भाई आखिर यहां से यहां कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना, एक सेकंड में इसने कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। इस एक्स डिस्टेंस को जब आप एक से डिवाइड करिएगा तो क्या मिलेगा, स्पीड मिल जाएगा। इसीलिए स्पीड जो होता है, दैट इज यहां पर लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पीड इज डिनोटेड बाई सी, और सी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, और यहां पर इसको C से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, डन। आगे बढ़े, नाउ राइट वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर इज डिनोटेड बाय V बार, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो लिखिए वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इन वन सेंटीमीटर लेंथ, द नंबर ऑफ वेव
विच कैन बी एकोमोडेटेड इन वन सेंटीमीटर लेंथ. मान लीजिए यहां से यहां वन सेंटीमीटर है, ये वन सेंटीमीटर है, तो इसमें जितना वेव एकोमोडेट हो पाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा. वही उसका क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा. हाँ, वन सेंटीमीटर. यहां से यहां मान लीजिए वन सेंटीमीटर है, इसमें जितना वेव एकोमोडेट हो गया दैट इज ओनली कॉल्ड एज वेव नंबर. और वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर इज डिनोटेड बाय v बार एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन वेवलेंथ. वेवलेंथ क्लियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं. देन अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये समझ में आ गया ना. अब लिखिए, चाहे हेडिंग डालिए, अगले पेज पर लिख देते हैं, चाहे हेडिंग डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा म्यू एंड सी. रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा म्यू एंड सी. ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. जब हम वेव के लिए लिखते हैं तो डिस्टेंस की जगह लैम्डा लिखेंगे, स्पीड की जगह सी लिखेंगे और टाइम की जगह कैपिटल टी लिखेंगे. तो इक्वेशन नंबर वन एक ही बन गया, लैम्डा बाय टी इज इक्वल टू सी. इक्वेशन नंबर टू, लैम्डा इनटू वन अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हैं ना इसको, ये सी के बराबर है, ये सी के बराबर है. वन अपॉन टाइम पीरियड को क्या मैं म्यू लिख सकता हूं, वन अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी है ना, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, लैम्डा म्यू इज इक्वल टू सी, लैम्डा म्यू इज इक्वल टू सी. तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है, लैम्डा म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी होता है. तो ये एक एक्सप्रेशन है, लैम्डा म्यू इज इक्वल टू सी, लैम्डा म्यू इज इक्वल टू सी. देन अब आगे देखिए, भले आगे इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, थ्री मान लीजिए. अब देखिए, म्यू कैन बी रिटन एज सी बाई लैम्डा और नॉट, लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा. तो म्यू इक्वल टू सी इंटू वन अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, और म्यू इक्वल टू सी वन अपॉन लैम्डा कैन बी रिटन एज वेव नंबर, लिख सकते हैं वेव नंबर. तो ये एक दूसरा एक्सप्रेशन बन गया. तो ये दो फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फोर मान लीजिए. तो ये सब कुछ ऐसे फॉर्मूला है जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आ सकता है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल. देन तो ये कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लियर. तो हम लोग आज क्या क्या सीखे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सीख लिए, और क्या सीखे हम लोग, उसका कैरेक्टरिस्टिक सीख लिए और उससे एसोसिएटेड टर्म सीख लिए. हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अभी कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, अभी बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके बारे में ही सब पढ़ रहे हैं, क्या है कैसा है, तब ना फिर उससे रिलेटेड हमारी थ्योरी में उसका क्या काम आएगा उसको देखेंगे. पहले उसके बारे में सब चीज पता रहेगा कि वो क्या है, कितने स्पीड से भाग रहा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तब ना उसके आगे की कहानी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से इसको देखिए याद कर लीजिएगा, एक लाइन ही बोलेंगे उसी से पूरा स्पेक्ट्रम याद हो जाता है. और क्लास ट्वेल्थ में पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पर यही स्पेक्ट्रम आपको याद करना है. एक लाइन है जिसको मैं लिख रहा हूं, उसी से हम लोग पूरा स्पेक्ट्रम याद करेंगे. लाइन है सिस्टर गामा एक्सरे अस इन मेडिकल रूम. ये लाइन अगर आपको याद है तो आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा. आप बोलिएगा इतना आसान है सर, बोले हां देखिए, सिस्टर का मतलब होता है कॉस्मिक,
कॉस्मिक, गामा का मतलब होता है गामा ही, ये गामा ही रे है, एक्सरे का मतलब होता है एक्सरे ही, इसमें भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, अस का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेस, इनका मतलब होता है इंफ्रा रेड, इंफ्रा रेड, मेडिकल का मतलब होगा, मेडिकल का मतलब होगा माइक्रोवेव, क्या होगा माइक्रोवेव, और रूम का मतलब होगा रेडियोवेव। तो आपको याद रखना आसान हो गया, क्या आसान हो गया, सिस्टर गामा एक्स रेड अस इन मेडिकल रूम, सिस्टर मतलब कॉस्मिक, गामा मतलब एक्स, सॉरी गामा मतलब गामा, एक्स मतलब एक्स, अस मतलब अल्ट्रावायलेट, इन मतलब इंफ्रारेड, मेडिकल मतलब माइक्रोवेव और रेडियो मतलब रेडियोवेव। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसमें एक और चीज और है, यहां अल्ट्रावायलेट और इसके बीच में एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विजिबल रीजन, क्या कहते हैं इसको, विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन किससे मिलकर बना हुआ है, विविग्योर से मिलकर बना हुआ है, बी आई बी जी वाई ओ आर, ये विविग्योर है, दिस इज विविग्योर। तो क्या है, सिस्टर गामा एक्स रेड अस इन मेडिकल रूम, और अस और देखिए, अस माने अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, इन मतलब इंफ्रारेड, बउआ जाओ तुम हम कर लेंगे, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। तो अब ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में क्या है, विजिबल रीजन पड़ता है, और विजिबल रीजन का क्या है, विविग्योर, विविग्योर मतलब वायलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, और इससे जो स्पेक्ट्रम बना, स्पेक्ट्रम मतलब या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, आइदर वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी का, जब आप किसी चीज को सजाते हैं किसको, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो हमने क्या किया है, इसको बढ़ते क्रम में सजाया है, किसके बढ़ते क्रम में, तो हमने इसको किसके बढ़ते क्रम में सजा दिया है, ये इसके लैम्डा के बढ़ते क्रम में सजाया है, यानी सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है, रेडियो वेव का। और यही कारण है कि आपका बीबीसी लंदन, आप पुराने जमाने में सुने होंगे कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट बीबीसी लंदन से प्रसारित किया जाता था, जब इंडिया आजाद होने वाला था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां गए थे, लंदन गए थे ये बात बोलने के लिए, तब बीबीसी लंदन क्यों वहां जाके बोले, वहां से बोलेंगे तो पूरे भारतवर्ष को नहीं पूरे दुनिया को सुनाई देगा, क्यों, क्योंकि उन लोगों के पास जो लैम्डा था, वेवलेंथ था, वो बहुत बड़ा था, जिसका लैम्डा बड़ा होगा वही ना दूर दूर तक पहुंच सकता है, तो ये रेडियो वेव, और सबसे कम लैम्डा किसका होगा, कॉस्मिक वेव का। हम लोग कहां पढ़ते हैं, बीचों बीच में, हम लोग मतलब जो हम लोग देख सकते हैं वो कहां पड़ता है, बीचों बीच में, और इसका रेंज कितना है, जानते हैं रेंज कितना है इसका, इसका रेंज इधर होता है 350 नैनोमीटर से लेकर लगभग 880 है, 780 है, तो आप उसको 800 मान लीजिए, 780 है एग्जैक्ट, लेकिन आप 800 मानिए, यही इतना जो रेंज है हम इतना ही देख सकते हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, इसी रेंज को हम देख सकते हैं, ना इसके आगे का देख सकते हैं ना इसके पीछे का देख सकते हैं, ब्लूटूथ देख, अल्ट्रावायलेट देख सकते हैं, कोई भी जो गर्म बॉडी है उससे इंफ्रारेड निकलता है, हम इंफ्रारेड देख सकते हैं, लेकिन इंफ्रारेड हम देखते हैं, हमारे पास तो अभी रिमोट नहीं, नहीं तो आपको दिखाते, इंफ्रारेड कैन बी सीन, आप इंफ्रारेड को देख सकते हैं। आज एक काम कीजिएगा, घर जाइएगा, कोई भी एसी का रिमोट लीजिएगा, कोई भी एसी का रिमोट लीजिएगा और उस एसी के रिमोट का बटन दबाइएगा और आंख से देखिएगा, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर आप अपने कैमरा में रिमोट इधर से दबाइएगा, उस पार आप खड़ा होकर कैमरा के नजर से देखिएगा, कैमरा मोबाइल का कैमरा हैज दी पावर टू डिटेक्ट इंफ्रारेड, आवर आईज डज नॉट बट दिस आई हैज, ये इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर सकता है। हम अभी हाल ही फिलहाल में किसी को एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, अब यहां रिमोट नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते, मेरा टीवी का रिमोट भी तो यहीं कहीं था,
एक मिनट देखते हैं, अगर टीवी के रिमोट में होगा बैटरी, हाँ है तो लग रहा है, वॉल्यूम ऐसे कोई लाइट दिख रही है? देखिए दिख रही है, दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे कैमरा के बाहर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां से जो रेडिएशन निकलता है वो इंफ्रारेड निकलता है, और इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है ना वो कुछ मीटर में होता है, इसीलिए देखिएगा एसीयूसी का जो रिमोट है वो बहुत दूर चले जाएगा तो काम नहीं करेगा, वो कुछ मीटर में होता है। लेकिन दिख रहा है लाइट, दिखाई दे रहा है, रेड कलर का लाइट दिखता होगा, तो ये इंफ्रारेड है, ये हम लोग आंख नहीं देख सकता लेकिन कैमरा का आंख देख सकता है। देखिए हम बोल रहे थे रिमोट नहीं, लेकिन याद आ गया कि टीवी का रिमोट यहीं रखा हुआ है, तो टीवी का रिमोट से जो रेडिएशन निकल रहा है वो कौन सा रेडिएशन है? इंफ्रारेड है, और इंफ्रारेड जो होता है गर्म होता है, हीटेड होता है, तो ये फिर भी आप बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेस, इसलिए ना ऊपर ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में क्या है? परावर्तित किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस, और ओजोन का काम ही होता है वो पराबैंगनी किरणों को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, पराबैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस, और वो अगर जमीन पर आ जाएगा तो क्या होगा? स्किन कैंसर। तो इसलिए आप सुने होंगे कि ओजोन लेयर जब डिप्लीशन होने लगा तो चारों तरफ माने हल्ला होने लगा सारा कंट्रीज में कि भाई काहे ऐसा हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट कर जाएगा तो हम लोग सब परेशान हो जाएंगे। नहीं ऐसे सुने थे? नहीं सुने थे? तो ये आपको याद रखना है, सिस्टर गामा एक्सरे अस इन मेडिकल रूम, और अस और इन के बीच में कौन आता है? विजुअल रेज आता है, और विजुअल रेज क्या है? विद्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और ज्यादा अच्छा होता अगर हम इसी इसी कलर से लिख देते, नहीं लेकिन हमको तो पहचान में ही नहीं आएगा तो लिखेंगे क्या, पर कैन बी डन नो। बताओ वायलेट कौन सा है इसमें? ये वाला, चलो देखते हैं लिख के, वायलेट, इंडिगो इसमें है, ये वाला इंडिगो, अच्छा इंडिगो। अब ब्लू कौन है? ब्लू यहां, इधर इधर, ये चलिए ब्लू है, स्काई ब्लू है, तो ये ब्लू है। ग्रीन कौन है? ये ग्रीन, ग्रीन से तो लिख ले, येलो ये वाला होगा है ना, ऑरेंज बोलो, ये येलो ये वाला, अच्छा ऑरेंज, और रेड ये कोना वाला है ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के, विव ग्योर रिटेन विथ ऑल ओरिजिनल कलर्स, विव ग्योर नहीं। चलिए तो यहां समझ में स्पेक्ट्रम याद रहेगा, बोलिए मेरे साथ, सिस्टर गामा एक्सरेड अस इन मेडिकल रूम, बोलिए सिस्टर गामा एक्सरेड अस इन मेडिकल रूम, अस और इन के बीच में कौन है? विजिबल रीजन, उसका वेवलेंथ कितना है? 300 नहीं, 400 से लेकर 350 से लेकर 800 तक, तो इतना याद रखना है आपको, इतना क्या रखना है? याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखिए, ये तो लिखे नहीं है, लिख लिए, वाह माहिर है जी, तुम भी लिख लिए, वाह बहुत फास्ट हो जी। अच्छा इन दोनों का फ्रीक्वेंसी भी लिख लीजिए, 7.89 × 10⁴, 7.89 × 10⁴ सेकेंड इनवर्स से लेकर 3.85 × 10⁴ सेकेंड इनवर्स, ये इसके बीच का क्या है? ये इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज है, ये इसका क्या है? फ्रीक्वेंसी का रेंज है, तो ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दो ठो पंद्रह एग्जैक्टली, मैं बोला ना ये कितना होता है? 780 होता है, और ये 380 होता है एग्जैक्टली, पर रेंज में लिखा रहता है कई बार 350 से 800, तो आदमी याद करने के लिए लिख लेता है, ठीक है ना? राइट, स्पेसिफिकली इंडिगो का,
एग्जैक्टली हमको तो पता नहीं, वो निकालना पड़ता है, हम लोग निकालेंगे इसको अभी जब बोर मॉडल पढ़ेंगे ना तो इसमें निकाला जाएगा, तब देखा जाएगा। पर आप याद रखिए किसके हैं, वैसे किसी किसी किताब क्लास ट्वेल्थ में जब पढ़ेंगे ना तो आपको हर एक का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब याद कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखिए, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज्ड इन आइदर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इज अरेंज्ड इन आइदर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज्ड इन आइदर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर आपका वेवलेंथ बढ़ेगा तो लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर किसी का लैम्डा बढ़ता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। आप यहां पे भी देख सकते हैं, ये 800 था तो 3.85 है और ये 300 है तो ये 7.89 है। और याद भी करना बहुत आसान है, देखिए ये 350 है तो इधर 3.85 और ये 800 है तो ये 7.89, लगभग अपोजिट ही हो रहा है, खाली 10^14 का। और इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स, या फिर हर्ज भी लिख सकते थे, 1/T लिख के हर्ज भी लिख सकते थे, तो सेकंड इनवर्स लिखिए या हर्ज लिख दीजिए, बात एक ही है। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी यहां से हम लोग को क्या पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्या है, वेव नेचर के, इनमें वेव नेचर है। तब ना सारे का सारा वेव हमने लिख दिया, लाइट भी वेव है, तो अब लाइट भी क्या हो गया, वेव हो गया। यही तो वो प्रूफ करना चाहते हैं, कौन, हाइगन, कि लाइट वेव है। लेकिन वो साइंटिस्ट लोग अभी हार माने नहीं है, वो भी अपना अपना एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं। 1919 में आइंस्टाइन ही ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन दिस, और वो भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किए, जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वहां से भी वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। वो भी पुल्ली कन्विंस नहीं थे इन दोनों ग्रुप के लोगों से बात करके, वो भी प्रूफ कर रहे हैं कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। पर वो थोड़ा सा एक बेटर डेफिनेशन दिए, एग्जैक्टली उन्होंने लाइट को पार्टिकल नहीं कहा, उन्होंने लाइट को फोटोन कहा। अब फोटोन एक ऐसी चीज होती है जिसके पास मास भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो वो थोड़ा सा बेटर डेफिनेशन था आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया। लेकिन ये लोग तो सीधे मुहांमुही लड़ने के लिए तैयार है, नहीं बोला तुम गलते हो, ये भी करा नहीं तुम गलत हो, एकदम एग्जैक्टली अपोजिट। 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा क्यों बढ़ाते हैं, 72 का आंकड़ा कहीं नहीं होता है, ये सोचने वाली बात है ना। व्हाई इट इज ओनली 36 का आंकड़ा, व्हाई नॉट 46 का आंकड़ा, 42 का आंकड़ा, 72 का आंकड़ा। ये आप सुने ना, कोई भी दो आदमी के बीच में लड़ाई हो जाती है, कहते हैं अरे उन दोनों का तो अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है, व्हाई इट इज कॉल्ड 36 का आंकड़ा, व्हाई नॉट 42, व्हाई नॉट 45, व्हाई नॉट 72, व्हाई नॉट 100। सोचने वाली बात है, कभी आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सोचे थे कभी, लेकिन बोलने के लिए बोल देते हैं 36 का आंकड़ा चल रहा है। देखिए हिंदी में 3 कैसे लिखाता है और 6 कैसे लिखाता है, ये 36 है, इसलिए लोग क्या बोलता है 36 का आंकड़ा, माने एक तो इधर देख रहा है तो एक तो इधर देख रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है 36 का आंकड़ा बोला जाता है। हिंदी का ही ना मुहावरा है, तो हिंदी में ही 36 कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है, इसलिए इसको बोलते हैं 36 का आंकड़ा। क्लियर, बताइए, सब छोटा छोटा बात आप लोग को जानना चाहिए ना जी। लिखिए पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हा नया हेडिंग, पार्टिकल नेचर ऑफ, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं वो क्या प्रूफ करना चाह रहा है, अब आर्ग्यूमेंट है कि भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको आप वेव कह रहे हैं, क्या उसमें पार्टिकल नेचर है, वो बोला प्योरली वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगला आर्ग्यूमेंट आ रहा है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तब ना लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई तो तब चली, अब तो हम दोनों पढ़ेंगे ना, पर जब चल रही थी उस टाइम पर वो अपना बात कर रहा था, ये अपना बात कर रहा था, पर आज जब 2024 में हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, हम तो दोनों चीज को पढ़ेंगे, तो
एक आर्ग्यूमेंट था कि नहीं लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव नेचर ही दिखाता है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो प्योरली वेव नेचर दिखाता है। अब दूसरा एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट करा ना इन्हें, चेक तो कर लो कहीं वो लाइट जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पार्टिकल नेचर भी हो। लिखिए इस बात, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन गिवन बाय मैक्सवेल, हाइगन के द्वारा प्रपोज किया गया और मैक्सवेल ने उसको कंटिन्यू किया। मैक्सवेल ने उसको क्या किया, कंटिन्यू किया। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिवन बाय मैक्सवेल रिगार्डेड रेडिएंट एनर्जी एज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन गिवन बाय मैक्सवेल, तो वही मैं कह रहा था, हाइगन ने प्रपोज किया और मैक्सवेल ने उसको क्या किया, दिया। प्रपोज्ड बाय माने इनिशिएटेड बाय हाइगन एंड गिवन बाय प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल रिगार्डेड रेडिएंट एनर्जी एज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव, फुल स्टॉप। दिस थ्योरी हैज एक्सप्लेन्ड फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव, फुल स्टॉप। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड certain phenomena associated with light. This theory explained certain phenomena associated with light, but could not explain few phenomena such as, black body radiation, photoelectric effect. Certain phenomena explain कर पाया, but could not explain few phenomena, such as a black body radiation के बारे में कुछ नहीं बोल पाए, ये photoelectric effect के बारे में कुछ नहीं बोल पाए, ये लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बोल पाए। व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम, आप अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़े, अब एक लाइन स्पेक्ट्रम भी चीज होती है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हम लोग ये दोनों पढ़ लेंगे फिर उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। ये सब थ्योरीज के बारे में कुछ भी ये लोग नहीं बोल पाए। कौन नहीं बोल पाए, वेव वाले हाइगन हो गए, मैक्सवेल हो गए, ये इन फेनोमेना के बारे में कोई विशेष बात नहीं कर रहे थे। और यहीं से ना फिर अब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिसमें न्यूटन है, आइंस्टाइन है, इन लोगों का कहना है कि भाई ये पार्टिकल है, इधर हाइगन है, मैक्सवेल है, इन लोगों का कहना है कि नहीं ये वेव है। तब बीच में कौन आएगा, डी ब्रोगली आएंगे, और फिर डी ब्रोगली दोनों को क्या करेंगे, शांत करेंगे और कहेंगे देखो इसमें पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, और वो एक ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की थ्योरी देकर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है क्लास 12th में, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जहां पे आपको पूरा वेव नेचर और फिर पूरा पार्टिकल नेचर और दोनों को मर्ज करके ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ना है। तो क्लास 12th में सेम यही चीज आप दोबारा फिर पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम लोग ऊपर से हल्का एक बेसिक आइडिया लेते हुए निकलते जा रहे हैं, 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब एक पूरा चैप्टर ही है वहां पर, यहां पे एक चैप्टर के अंदर छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं, वहां पे पूरा एक चैप्टर है जहां पर इसको बहुत विशेष रूप से आपको पढ़ना है। तो लिखिए हेडिंग डाल, ये तीनों फेनोमेना नहीं समझा पाए। पर ये तीनों फेनोमेना क्यों नहीं समझा पाए, उसका कारण था कि ये लोग वेव नेचर, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि कुछ फेनोमेना थे ऐसे लाइट के जैसे डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वो तभी समझा जा सकता है जब आप लाइट को क्या मानते हैं, वेव मानते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो तभी समझा जाता है जब लाइट को आप क्या मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं। ऐसे ही ये फेनोमेना से ये प्रूफ होता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या है, पार्टिकल है। और इसको प्रूफ करने के लिए थ्योरी डेवलप की गई, जिसको थ्योरी डेवलप किया प्लैंक ने। किसने डेवलप किया,
प्लैंक ने, तो आप इसके नीचे लिखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। हेडिंग डालिए प्लैंक, प्लैंक PLANKS ना, PLANKS प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक की कौन सी थ्योरी है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम। प्लैंक का स्पेलिंग सही लिख रहे हैं ना, PLANCK, वही हम कर रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रहा है, PLANCK पोस्ट ऑफ यस, प्लैंक, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, QUANTUM, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये अब हम लोगों को पढ़ना है कि प्लैंक ने क्या क्वांटम थ्योरी दिया, और इसी क्वांटम शब्द से, इसी क्वांटम शब्द से आज के दिन एक वेव आया है जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम वेव। तो वेव कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल एंड क्वांटम। तो क्वांटम तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आज जो रिलेटिविटी की थ्योरी है या एस्ट्रोफिजिक्स जो लोग पढ़ रहे हैं या इस यहां से संदेश वहां भेज रहे हैं या वहां से कुछ आप लोग जो अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, UFO बोलते हैं ना, तो वो सब के बारे में जो पता कर रहे हैं वो सब सब क्वांटम वेव के अंदर आता है। ये यहां का थ्योरी नहीं है, ये सब सब बाहरी थ्योरिया का थ्योरी है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, वो सब वहां जा रहा है। तो हम लोग को उतना नहीं जानना है, हमको बस क्वांटम क्या है इतना जानना है। तो लिखिए इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज थ्योरीज, कौन कौन सी थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रम, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज थ्योरीज, मैक्स प्लैंक इन द ईयर 1900, इन द ईयर 1900, साइंटिस्ट का नाम पूरा क्या था, मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक, साल कौन सा है 1900, ईयर कौन सा है 1900, द ईयर इज 1900, गेव अ फॉरवर्डेड अ थ्योरी नोन एज, देखिए फॉरवर्डेड अ थ्योरी नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इट रिगार्डेड इन द ईयर 1900 गेव फॉरवर्डेड अ थ्योरी नोन एज प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इट रिगार्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज, इट रिगार्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और इस थ्योरी को फर्दर कौन आगे लेकर बढ़े, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जैसा आदमी जो कि माना जाता है कि पूरे विश्व में, पूरे धरती पर जो सबसे ज्यादा दिमाग यूज करने वाला आदमी था वो आइंस्टाइन था। 100% ब्रेन में से आम आदमी 0.5% ब्रेन ही यूज करके मर जाता है, उन्होंने 2.3% ऑफ हिज ब्रेन यूज किया था तो आइंस्टाइन बने। जो ऐसी ऐसी थ्योरीज उन्होंने लिखी, ऐसे ऐसे मैथमेटिकल डेरिवेशन किए हुए हैं कि लोग देख कर पढ़ कर भी नहीं समझ पा रहे कि भाई क्या किया हुआ है। हो सकता है आने वाले और 10 साल 20 साल या 100 साल बाद लोगों को पता चले, जब साइंस इतना डेवलप हो जाए, कि क्या चीज का वो डेरिवेशन करके गए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी थ्योरी है जिसको लोग पता नहीं कर पा रहे क्या चीज लिख के चले गए। बहुत कुछ तो स्टीफन हॉकिंस ने भी उनका डिकोड किया, पर अभी भी बहुत ऐसे थ्योरीज हैं, बहुत बोले मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बहुत सारे ऐसे फिजिक्स के थ्योरम्स हैं जिनके बारे में भी कोई आइडिया नहीं कि क्या चीज का इक्वेशन लिखा हुआ है। हो सकता है किसी दूसरे ब्रह्मांड पर, किसी दूसरे ब्रह्मांड के बारे में या किसी दूसरे, तो अब धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग मल्टीवर्स इनके बारे में सोचना स्टार्ट किया है, पैरेलल यूनिवर्स जिसको मल्टीवर्स बोलते हैं। हाँ, मतलब अभी ये सब बहुत नेसेंट स्टेज में है, मतलब अंडे के अंदर ही, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ है, लोग अभी इस पर अपना रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। तो लिखिए दिस वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाई आइंस्टाइन, लिखिए दिस वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाई आइंस्टाइन, आइंस्टाइन इन द ईयर 1905, आइंस्टाइन ने 1905 के बाद इसको आगे किया। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरीज आर, तो अब इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स, किस थ्योरी के, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है, पॉइंट नंबर वन लिखिए, द रेडिएंट एनर्जी, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, द रेडिएंट एनर्जी
द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ discontinuously in the form of small packet of energy called as quanta small packet of energy called as quanta. मैंने कहा the radiant energy is emitted or absorbed discontinuously in the form of small packet of energy called as quanta, Q-U-A-N-T-A, quanta. In case of light, point number two, in case of light, जल्दी जल्दी लिखिए, आप लोग बात करते हैं ज्यादा. In case of light, this quanta is called as फोटोन. और मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आइंस्टाइन ने थोड़ी सी एक बेटर डेफिनेशन दी थी. क्या डेफिनेशन दिया था उन्होंने लाइट को? क्या बोला? फोटोन बोला. लाइट को क्या बोला? फोटोन. इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी है तो उसमें मास भी हो सकता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है. तो इन्होंने उसको थोड़ा सा तालमोल करके बीच बीच का कुछ रास्ता निकालने का काम स्टार्ट कर दिए थे. इट इज कॉल्ड एज फोटोन. पॉइंट नंबर थ्री, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा is directly proportional to frequency. That is, energy is directly proportional to frequency. Energy is directly proportional to frequency. और इसी proportionality को is equal to करने के लिए Planck ने अपना constant दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? Planck constant. This H is called as Planck's constant. चूंकि Planck की theory थी तो constant भी किसका होगा? प्लैंक का. और इसकी वैल्यू होती है 6.626. H इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10 एस पा माइनस 34 जूल सेकेंड. या H इज इक्वल टू एक और वैल्यू है 3.99 into 10 raised to the power, the value is minus 13 kilojoule second mole inverse. Depending upon situation, आप इन values को क्या कर सकते हैं? Use कर सकते हैं. Depending upon situation, आप इस values को use कर सकते हैं. Done. Next point. थ्योरी को तो कंप्लीट करेंगे ना. अरे जल्दी लिखिए. द टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी पॉइंट नंबर कितना चल रहा है? 4 की 5. द टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा. Whole number integral multiple of quanta, where this can be 1, 2, 3, 4, ... infinity.
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा दैट इज E is equal to n is equal to 1, 2, 3, 4, ... तो ये कह रहा है कि जो एनर्जी का पैकेट है जिसको हम लोग क्वांटा कह रहे हैं, क्योंकि एक क्वांटा जो है वो hμ के बराबर है, जिसको एक फोटोन भी हम कह रहे हैं, ये जो एक क्वांटा है, ये जो एक पैकेट है, इसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। जैसे इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मान लीजिए तेजस भी आके बैठ जाएगा, आप लोग सब तो 11 क्लास में है, तेजस तो अभी शायद 1 में है कि 2 में है, मान लीजिए तेजस भी आके बैठ गया। अब तेजस भी आके अगर बैठ गया तो गिनती कीजिएगा तो आदमी में, तो उसको क्या आधा गिन लीजिएगा कि 1/3 गिन लीजिएगा? आदमी गिनाएगा तो पूरा ही ना गिनाएगा, चाहे एक हो, छोटा हो कि बड़ा हो, हमको दोनों ना गिन लीजिएगा, हमको भी एक ही गिनिएगा। चाहे कोई मेरा बेटा ही हो तो उसको आधा नहीं गिन सकते, चाहे हम थोड़ा हेल्दी हैं तो दो नहीं गिन सकते, चाहे आप लोग अपने आप में कोई अगर पतला है तो उसको आधा नहीं गिनेगा, एक आदमी को एक ही गिना जाएगा। नंबर ऑफ चेयर्स आप गिन रहे हैं, चाहे किसी का हैंडल टूटा ही हुआ काहे नहीं हो, चेयर तो एक ही ना गिनिएगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं हैंडल टूटा है तो 3.5 कर देते हैं, 3.5 होगा एनर्जी, या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.2 हो जाए, 2.3 हो जाए, 3.4 हो जाए, 5.6 हो जाए, ऐसा पॉइंट में या फ्रैक्शन में एनर्जीज नहीं हो सकती। हमेशा कैसा रहेगा? क्वांटा में रहेगा, यानी डिस्क्रीट वैल्यू रहेगी। लेकिन आप जाइएगा थोड़ा पीछे तो उसमें देखिएगा, वो लोग बोल रहे थे, कौन लोग? वेव वाले लोग बोल रहे थे कि जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअस है, जबकि इसके हिसाब से एनर्जी क्या है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब 1, 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद सीधे 3, ये डिस्क्रीट बोल रहे हैं। डिस्क्रीट होगा तो पार्टिकल नेचर होगा, कंटिन्यूअस होगा तो जहां कहीं भी हमको कंटिन्यूअस नेचर चाहिए, माने जहां पर कंटिन्यूअस फेनोमेना है, इंटरफेरेंस है, डिस्पर्सन है, डिफ्रैक्शन है, जहां कंटिन्यूअस चीज चाहिए तो वहां वेव नेचर, और जहां कहीं भी हमको डिस्क्रीट नेचर चाहिए वहां क्या है? पार्टिकल नेचर है। तो ये लोग अभी धीरे धीरे थ्योरी डेवलप कर रहे हैं ये प्रूफ करने के लिए कि वो लोग क्या है, गलत है, और वो लोग भी अपना थ्योरी डेवलप कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, तो गलत तो नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है, पर आपस में लड़ाई चल रही है। तब तक लड़ाई चलेगी जब तक डी ब्रोगली आ नहीं जाते। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इन सारे के ऊपर हमें न्यूमेरिकल भी करना है, तो देखते हैं अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल करते हुए और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रवेश करेंगे। या तो एक काम करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा देंगे अगले क्लास में और उसके बाद ही हम सीधे न्यूमेरिकल करा देंगे, इसका भी और उसका भी मिलाकर। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद लाइन स्पेक्ट्रा, तीन चीज पढ़ना है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाएंगे, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और तीसरा लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ने के बाद आप इस कंडीशन में आ जाएंगे कि अब आप रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कर देंगे, फेल कर देंगे, और भोर का मॉडल आप क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। फिर हम पूरा भोर पढ़ेंगे और भोर की पूरी पढ़ाई होगी, उसके बाद तब भोर फेल होंगे, और उसके बाद की कहानी फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने।